क्या नीतीश कुमार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार जेल जाएंगे? यह सवाल इसलिए क्योंकि कार्तिक कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, आरोप भी अपहरण के मामले में लगा है। इस बीच विपक्ष में बैठी बीजेपी पूछ रही है कि कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। कार्तिक कुमार यानी बिहार में सुशासन बाबू के कानून मंत्री, लेकिन दामन पर ऐसा दाग लगा कि पहले विभाग बदला, फिर मंत्री पद गया, अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला भी ऐसा वैसा नहीं, अपहरण के केस का तो बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की बेल याचिका खारिज हो गई है। अब वो आगे क्या करेंगे इस बारे में उनके वकील ने जानकारी दी। बेल रिजेक्ट होने के बाद नेचुरल चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो? प्रेशर पर है, कानून मजिस्ट्रेट ने बिलेबल वारंट इशू किया हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑर्डर का नकल लेकर के तुरंत ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसका अपील करें। चूंकि जो चेंज सिचुएशन हुआ उसमें हमने यानी कानून में ये प्रोविजन है कि हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी आप सेकेंड एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। सत्ताधारी गठबंधन के साथ ही कार्तिक कुमार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे हैं। और तो और इनका इस्तीफा स्वीकार करने में इतनी देरी क्यों हुई, ये सवाल भी बनता तो है ही। वो सरेंडर करें, उनको जेल जाना चाहिए, न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन ये पहला विकेट गिरा है। नीतीश जी आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं, और आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में। जिस दिन ये बातें आई थी आपकी वो हिम्मत कहाँ चली गई? हालांकि कार्तिक कुमार के वकील का कहना है कि अब ये पुलिस का अधिकार क्षेत्र है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। बिलेबल वारंट का ऑर्डर हुआ है लंदन मजिस्ट्रेट के यहाँ से, तो वो तो पुलिस का जुरिस्डिक्शन है, पुलिस का ये है, उसमें वकील या कोई क्या कहेगा, दैट इज ए लीगल प्रोसीजर। उसमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस कर सकती है, जा सकती है, चूँकि बिलेबल है कि अरेस्ट करेगी तो बेल दे देगी। दरअसल कार्तिक कुमार की कथा ही थोड़ी अलग है। जिस दिन उन्हें अपहरण के केस में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन उन्होंने राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ ले ली। इतना ही नहीं, खबरों के मुताबिक कार्तिक कुमार कोर्ट की नजर में 8 साल से फरार थे। अब सारा दरमदार सुशासन पर है। कार्तिक का बोझ नीतीश कुमार के लिए कितना महंगा पड़ता है? रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो?